बादल आ रहे और सांसें फूल रही हमारी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं तुंगनाथ, 8 किलोमीटर का ट्रैक है यहाँ पे। आप लोग भी यहाँ पे कैसे आ सकते हो ये मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलते हैं फिर, यहाँ तक आती है टैक्सी और फिर यहाँ से स्टार्ट करना होता है आपको ट्रैक। दोस्तों फाइनली ट्रैकिंग स्टार्ट कर दी हमने, कुछ इस प्रकार की है ट्रैकिंग यहाँ से 4 किलोमीटर की है। अभी टाइम हुआ है 10:56। आहा, देख सकते हो आप क्या बड़े जबरदस्त नजारे। ये जो लोग खच्चर अभी यहाँ से हायर कर रहे हैं, ये लोग क्या ही कहना चढ़ेंगे। 500 मीटर के ट्रैकिंग के बाद कुछ ऐसा नजारा है। थोड़ा बहुत शूट के बाद वापस से हम ट्रैकिंग स्टार्ट कर रहे हैं। चलते चलते मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोग भी तुंगनाथ आ रहे हो तो आपको कैसे आना चाहिए, कहाँ से आना चाहिए। तो सबसे पहले आपको आना चाहिए हरिद्वार ऋषिकेश, उसके बाद आप शाइन टैक्सी या फिर बस से भी आप आ सकते हो ऋषिकेश से या हरिद्वार से उखी मठ के लिए। वो आपको ड्रॉप करेगी ध्रुदेव प्रयाग को। बस का किराया होगा समथिंग 350 रुपीज़ अराउंड, और शेयरिंग टैक्सी का तो ज़्यादा ही होता है, आप अपने हिसाब से बार्गेनिंग कर लो। जब एक से आप टैक्सी से शेयरिंग टैक्सी से आप आ सकते हो उखी मठ, और वहाँ पे आप नाइस स्टे ले कई आपको पड़ेंगे। घर के अंदर आपको मिल जाएगा रूम, उसके बाद नाइस स्टे करने के बाद सुबह आप निकल जाओ तुंगनाथ के लिए। आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बीच बीच में कुछ स्टॉल वगैरह आते रहेंगे, कुछ लोग शॉर्टकट भी ले रहे हैं। ये भी हमारे साथ ट्रैक कर रहा है, अमेजिंग। और यहाँ पे कभी भी बारिश आ सकती है तो फिर आप रेनकोट और जैकेट वगैरह अपने साथ कैरी रखें। जवान लोग भी खच्चर यूज़ कर रहे हैं, बहुत ही घटिया चीज़ लगी मुझे तो, बूढ़े हो तो बात अलग रही। ट्रैकिंग के दौरान बैग में कम से कम सामान लेके आए जिससे कि आपको वेट कम हो लगे और ट्रैक में आसानी हो। तो लग रहा है 2 किलोमीटर हमने कवर कर लिया। बस 2 किलोमीटर और बाकी है, और बीच में आपको खाने पीने की चीज़ मिल जाएगी, मैगी पराठा वगैरह गजब, बड़ा अमेजिंग है भाई, मज़ा आ गया। जितना आप जल्दी स्टार्ट करोगे ट्रैकिंग सुबह तो आपके लिए बढ़िया रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मौसम चेंज होते हैं। आप देख सकते हैं पीछे, देखो बारिश का मौसम बन रहा है अभी धीरे धीरे। हाँ, 1.5 घंटे की हमने ट्रैकिंग ख़त्म कर ली है, अभी 1 घंटा और बाकी ट्रैकिंग का। बादल आ रहे हैं और सांसें फूल रही हमारी। हाँ, आप लोग आओ तो मेडिसिन वगैरह लेके आए आप। इस तरफ देखो और इस तरफ देखो, बादल आ चुके हैं, कुछ भी दिख नहीं रहा है आगे का, बड़ा ही ज़बरदस्त लग रहा है। बाप रे बाप, फाइनली कुछ भी दिख नहीं रहा है अब।
वाह अमेजिंग, क्या लग रहा है बॉस, गजब। मौसम वापस से चेंज हो गया है और हम पहुंचने वाले हैं, देख सकते हो ये रहा तुंगनाथ का मंदिर। दोस्तों फाइनली पहुंच गए हम मंदिर, तुंगनाथ के मंदिर के बाद चंद्रशिला 1 किलोमीटर है यहाँ से। के बारे कुछ बहस हो गई है, पूजा के लिए कुछ बहस हो गई है पुजारी से। बड़े खुश फंस गए हम, आरती के टाइम पे आ गया। हर महादेव। भोलेनाथ के दर्शन के बाद गणपति जी विराजमान है बाजू में, उसके बाजू में पार्वती जी का, और ये शायद पांडवों का है, नाम नहीं लिखा हुआ है, और ये भैरवनाथ का मंदिर है। चंद्रशिला चलोगे आप? चलो फिर है? साथ चलेंगे हम, बस दर्शन कर ले चंद्र, या तो आप चलो चंद्रशिला पहुंचे। और वो रे चंद्रशिला दर्शन करने के बाद वापस से हम नीचे जा रहे हैं। यहाँ पे कपाट 1 बजे बंद होता है और 2 बजे वापस खुलता है, तो आप अपना टाइम देख के आए यहाँ पे। अभी बचे दोपहर के 2:25 और हमने ट्रैकिंग स्टार्ट किया था समथिंग 11 बजे। तो मिलते हैं कोई ऐसे ही नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।